नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक से भूचाल आ चुका है, आपको पता होगा। लेकिन अब कई और राज्यों में भी ऐसी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। बात करेंगे कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर सरकार गिरने का खतरा सबसे ज्यादा है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बन सकती है, और अब भी जो चांस है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए, अब किसका पलड़ा भारी यहां पर नजर आ रहा है, राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, और अब कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया है उसके बाद एमपी में मच गया है हड़कंप। ये हड़कंप कहीं ना कहीं अन्य राज्यों पर भी इसकी गरज जो है वो सुनाई देने लगी है, क्योंकि राजस्थान और महाराष्ट्र ये वो दो राज्य हैं जहां पर पलटवार देखने को मिल सकता है। क्योंकि राजस्थान में अगर बात करें तो यहां पर सचिन पायलट भी यहां पर अपने तेवर दिखा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जिस प्रकार की सरकार है इस पर सबसे ज्यादा संकट अब गहराने लगा है। लेकिन क्या कहता है राजस्थान का समीकरण, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि क्या महाराष्ट्र में भी सरकार गिरेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो अपना इस्तीफा सौंप दिया है, इसके बाद जो है हलचल पूरे देश के अंदर है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर, बल्कि जो आने वाले इलेक्शन है जिनमें अगर राज्यसभा की बात करें 55 सीटों पर जो चुनाव है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं इस चुनाव के बाद। क्योंकि गुजरात से भी बड़ी खबर है कि कांग्रेस जो विधायक है वो यहाँ पर बीजेपी को समर्थन देने वाले। इसके अलावा राजस्थान से भी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र से खबर यहाँ पर आ रही, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिनमें इमरती देवी, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया या प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ये वो 6 मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही यहाँ पर वो विधायक हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा यहाँ पर कमलनाथ को सौंप दिया। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में सरकार गिरने का पूरा पूरा खतरा है। इसके अलावा अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसके लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की अगर आपको तस्वीर दिखाए तो किस प्रकार से बन रही है, जिस प्रकार से अब तक 22 विधायकों ने जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। 230 विधानसभा सीटें यहाँ से आती है, और पहले जो यहाँ पर बहुमत था कांग्रेस के लिए वो था 121 का, लेकिन इस्तीफा 22 के बाद ही आप आंकड़ा जो है वो 99 बसता है। इसके अलावा यहाँ पर बीएसपी और सपा के विधायक भी यहाँ पर संपर्क में हैं बीजेपी के, ऐसा माना जा रहा है। तो मौजूदा सीट की अगर बात की तो 206 है बहुमत का आंकड़ा, 104 है, और बीजेपी अपने दम पर 107 विधायक है, यानी बीजेपी अपने दम पर यहाँ पर अगर फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होता है, और 16 मार्च को यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होगा, और यहाँ पर कह सकते हैं कि 16 मार्च के बाद बीजेपी सरकार बना लेगी मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन कमलनाथ सरकार के पास अब भी विकल्प मौजूद है, बुक विकल्प क्या है वो आपको दिखा दीजिए। पहला विकल्प जो है विधानसभा में बहुमत साबित करने की कोशिश, यानी कुछ विधायक जो है बीजेपी के बहुमत के समय वो अगर अपनी तरफ कर लेते हैं जो आंकड़ा है वो कमलनाथ के पास आ जाता है। दूसरा विकल्प क्या है, देखिए बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा सौंप दे, मतलब कमलनाथ सरकार हार मान ले। जिस प्रकार से कई और यहां पर कांग्रेस नेताओं का बयान है कि यहां पर कांग्रेस अब विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाए, और वो अब विपक्ष में बैठकर आने वाले चुनाव जो 22 यहां पर विधायकों ने इस्तीफा दिया है, इसके अलावा 2 सीटें पहले से खाली, यानी 24 सीटों पर आने वाले समय में जो यहां पर चुनाव होंगे उसके लिए तैयारी यहां से शुरू कर दे। इसके अलावा तीसरा विकल्प क्या है, बागी विधायकों के इस्तीफे की जांच, कहीं दबाव में इस्तीफा तो नहीं दिया है, इस तरह का विकल्प। चौथा विकल्प है विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार न करे और मामला कोर्ट में पहुँच जाए। पांचवा विकल्प विधानसभा भंग करने की सिफारिश, लेकिन राज्यपाल इसे मानने के लिए स्वतंत्र है। तो ये कुछ विकल्प है कमलनाथ सरकार के पास कि वो सरकार बचा सकते हैं। इसके अलावा देखिए बीजेपी के लिए सिंधिया ने जो किया है उसके लिए क्या उनको मिलने वाला है। पहला विकल्प राज्यसभा सीट मिल सकती है, केंद्र में मंत्री पद यहाँ पर दिया जा सकता है। दूसरा विकल्प है एमपी में बड़ी जिम्मेदारी, या सीएम पद या डिप्टी सीएम कह सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये विकल्प मौजूद दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान से बड़ी खबर है कि युवाओं को यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है कांग्रेस के लिए, यहाँ सचिन पायलट एक बड़ा रोल यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, ऐसा सचिन पायलट भी कर सकते हैं, ऐसी बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान की अगर तस्वीर आपको दिखा दें तो यहाँ पर 100 सीटें जो है कांग्रेस के पास है, तो बीजेपी के पास यहाँ पर 73 है, तो 6 यहाँ बीएसपी इंडिपेंडेंट की अगर बात करें तो 13 सीटें हैं। इसके अलावा 8 सीटें अन्य दलों के पास हैं, यानी यहाँ पर भी कुछ हेर फेर देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में किस प्रकार की राजनीति होने वाली है अन्य राज्यों के लिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।